नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से दो पिस्टल सहित तीन कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। थाना ओमती के थाना प्रभारी वीरेंद्र पवार ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सेल्स टैक्स ऑफिस के पास एक युवक संदिग्ध स्थिति में खड़ा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची और देखा कि वहां पर एक व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में खड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ा और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम बाबा उर्फ नीरज सोनकर बताया। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो उसकी कमर में एक पिस्टल मिली जिसकी मैगजीन में दो कारतूस लोड थे। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल और कारतूस को जब्त किया। आरोपी नीरज से जब पुलिस ने और पूछताछ की तो उसने बताया कि एक और पिस्टल उसने शिवम उर्फ शिवांश गुप्ता को देना बताया। आरोपी नीरज ने पुलिस को बताया कि शिवम उर्फ शिवांश गेट नंबर 4 के पास खड़ा है। पुलिस ने तत्काल मौके पर अपनी टीम भेजी और देखा कि वहां पर शिवांश गुप्ता खड़ा है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया और उसके पास से एक पिस्टल सहित एक कारतूस बरामद किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर धारा 25-27 आर्म सेक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। जबलपुर से न्यूज 69 के वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भैया, आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर द्वारा लगातार जबलपुर शहर के थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है कि लगातार अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय क्राइम एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय CSP ओमती संभाग द्वारा भी थाना ओमती के संबंध में कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया है। कल दिनांक को थाना ओमती पदस्थ उप निरीक्षक बलवीर सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेके सेल टैक्स ऑफिस के सामने खड़ा हुआ है। जो इनके द्वारा थाने में पदस्थ उप निरीक्षक श्रीराम सनोडिया, सहायक उप निरीक्षक राजेश मिश्रा एवं प्रधान आरक्षक रामजी पांडे के साथ साथ क्राइम की टीम है। क्राइम में पदस्थ ASI अशोक मिश्रा, ASI वीरेंद्र सिंह, राकेश, नीरज तिवारी, मनोज सिंह, हरिशंकर गुप्ता के सहयोग से मुखबिर के द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी गई तो बाबा उर्फ नीरज सोनकर नाम का व्यक्ति मिला, जिसकी तलाशी लेने पर उसके अवैध आदि पत्र से एक नग देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। इससे अग्रिम पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि जिला न्यायालय गेट नंबर 4 के पास में भी इसका एक साथी है शिवम और शिवांश गुप्ता, वो भी एक पिस्टल लिए हुए खड़ा हुआ है। तत्काल संयुक्त टीमों द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई और शिवम और शिवांश गुप्ता नाम के व्यक्ति को जब पकड़ा गया तो इसके पास से भी एक अवैध पिस्टल और उसमें एक जिंदा राउंड लूट था बरामद हुई है। इसमें हमने थाना में FIR दर्ज की और जिन्हें हम माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। हाँ, इनके आपराधिक रिकॉर्ड है जिनको हमने संलग्न किया हुआ है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।